बड़ी खबर तमिलनाडु से, जहां पर एनआईए 11 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। खबर है कि इसी साल आतंकी संगठन हिज्ब उत ताहिर से जुड़े आतंकियों के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद आज एनआईए ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस केस में चेन्नई पुलिस ने 25 मई को दो भाइयों और उनके पिता को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी। पूछताछ के दौरान इस्लामिक संस्था के चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हमीद हुसैन के बारे में भी जानकारी मिली। बताया गया कि चेन्नई में कई संगठनों के साथ मिलकर इस्लामिक कानून को आगे बढ़ाने के लिए देश विरोधी साजिश रची गई थी।